तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझको सोल्व करना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्लास बना रखी है सम नाम से, और हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, अपना मेन मेथड बना लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें नंबर ऑफ और सम ऑफ, हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो नंबर ऑफ और एक सम ऑफ इंटीजर्स जो 500 से बड़े हैं और 1000 से कम हैं और 17 से डिविजिबल भी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो सम और एक नंबर। तो मैं एक दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक नम नाम से जो नंबर फाइंड करेगी कि कितने इंटीजर्स है जो 500 और 1000 के बीच में है जो 17 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे एग्जैक्ट, और दूसरा इंट सम नाम से कर लेता हूँ और दोनों की इसकी वैल्यू में जीरो कर लेता हूँ और इसकी भी वैल्यू में जीरो कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर लिया। अब मैं फोर लूप को दौड़ाऊँगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक दौड़ाऊँगा अब आप मुझको ये बताइए। तो 500 से बड़े और 1000 से कम, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, 501 से लगा दूँ, है ना, क्योंकि 500 से बड़ा तो 501 होगा, और किससे कम, 1000 से कम, लेस देन लगाऊँगा मैं यहाँ पर, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाऊँगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करूँगा, अगर यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर ये इंट लिख दिया फिर से, तो यहाँ पर सिर्फ कोमा लगा लेते हैं, या फिर अगर मैं इंट लिखता तो वहाँ पर सेमी कोलन लगाना पड़ता। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अगर जो इंटीजर है मेरा आई वेरिएबल है, अगर वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, मतलब 17 से डिवाइड होने पर क्या रिमाइंडर अगर वो जीरो देता है, तो क्या हो, एक नंबर बढ़ जाए, मतलब क्या हो, नम प्लस प्लस हो जाए। नम प्लस प्लस होने का मतलब क्या होगा कि एक इंटीजर बढ़ जाएगा, जैसे ही वो डिवाइड होगा इसका मतलब एक और इंटीजर हमारा उस सूची में आ जाएगा जो कि 17 से डिवाइड होता है, और सम प्लस इक्वल टू आई करा दूंगा, क्योंकि सम के अंदर हम उन सभी का सम करा रहे हैं जो कि 17 से डिवाइड होते हैं। ये ध्यान रखना बस, जो ये दोनों स्टेटमेंट है ब्लॉक के अंदर आने चाहिए, इनको इनसे बाहर मत निकालना। ठीक है, तो ये फोर लूप हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा और हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की मदद से। एक तो यहाँ पर प्रिंट कराएंगे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स प्लस नम। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की मदद से नंबर तो हमने यहाँ पर करा ही दिया, अब सम करा देंगे, सम ऑफ इंटीजर्स और प्लस सम हम यहाँ पर करा देंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं, अपने इसको बंद कर देते हैं पूरी क्लास को और मेन मेथड को, और इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है हमारा, कितने नंबर्स है जो 500 और 1000 के बीच में है जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं, और क्या उनका सम है। तो 29 ऐसे इंटीजर्स है और उन दोनों का, उन सभी का सम जो है आपका 21692 है। तो देखिए कितनी आसान आपका जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी डेली लाइफ को बना देती है। अगर आप ऐसे बैठने लगे कि भाई मैं निकालूंगा कि भाई 500 और 1000 के बीच में कितने इंटीजर है जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं, तो आप निकालते रहना, कब तक निकालोगे। लेकिन इसने चुटकियों में ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्रामिंग है रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।